Okay, we are live now. Good evening, friends. A very warm welcome to all the viewers on Karma Foundation Facebook page. Today, Karma Foundation and Sahara Initiative presents a very sensitive and informative session, Survivor of Sexual Assault, in association with Cross the Hurdles and supported by BJS Bharatiya Jain Sangathana. I am Pinky Ballard, advisor of Sahara Initiative, and I'm extremely happy to moderate this session today. Today, we have a very respected and honored guest with us, Ms. Abhaji Khetarpal from Delhi. नमस्कार। Namaste, ma'am. Abhaji, president of Cross the Hurdles, member of Sexual Harassment Committee, Department of Disability Affairs, Government of India. She is the disability rights advocate. National Award winner, 100 Women Achiever Awardee. She is the first woman from India to be honored Henry Viscardi Awardee 2019. Being a woman with disability, she recognized by counseling the people with disabilities since 10 years. Welcome once again, Abhaji. थैंक यू, माय प्लेजर। यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा आपने बुलाया तो। वी आर ऑनर्ड टू नहीं, वेलकम यू, मैम. मैं आई एम ऑनर्ड, थैंक यू सो मच। आबा जी, हम जिस देश और संस्कृति में रहते हैं, वहां पे सेक्सुअलिटी एंड असॉल्ट जैसे विषयों पर बंद कमरे में घर में चर्चा करना भी बहुत बड़ी बात होती है. और आज हम इस विषय को लेके एक सार्वजनिक चर्चा करने जा रहे हैं. तो जी अपने आप में कहीं एक समय में ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट मानी जाती थी, लेकिन जब आज हमने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे हमारे इस सेशन की पोस्ट डाली, तो वी आर रियली हैप्पी कि काफी सारे लोगों के कमेंट्स थे वहां पे जो इस विषय को लेकर चर्चा करना चाह रहे हैं. हालांकि इन विषयों के लिए हमारे देश में सबसे ज्यादा कानूनी और सामाजिक जागरूकता की जरूरत है. बिल्कुल और हमने देखा है, हमने कई बार देखा है कि देश और समाज में कहीं भी जब इस तरह की सेक्सुअल असॉल्ट की घटनाएं होती है, तो सबसे पहले सामाजिक मर्यादा और प्रतिष्ठा के नाम पे उन घटनाओं को छुपा दिया जाता है या उनको दबा दिया जाता है घरों में. जी हजारों में से एक विक्टिम की फैमिली या वो अगर वो कानून की मदद के लिए, सोशल जस्टिस के लिए, लीगल जस्टिस के लिए पहुंचते हैं, तो भी ये बिल्कुल निश्चित नहीं होता है कि वो किसी भी कानूनी प्रक्रिया में निश्चित तौर पर वो इंसाफ पाते हैं. तो आज इन्हीं विषयों को लेकर हम आपसे बहुत सारी बातचीत करना चाहते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन पाना चाहते हैं. और अपने सेशन की शुरुआत हम करना चाहते हैं, हालांकि ये सेक्सुअल असॉल्ट हम एक जनरल इंसान के लिए नहीं डिस्कस कर रहे हैं आज, हम एक डिसेबल पर्सन के साथ सेक्सुअल असॉल्ट जो होता है उस विषय पे हमारी चर्चा रहेगी सारी. तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं, अकॉर्डिंग टू WHO, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिसेबिलिटी? हाँ जी, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2001 में एक डिसेबिलिटी की डेफिनेशन दी थी, जो कि एक बहुत ही वाइडर डेफिनेशन है, अम्ब्रेला टर्म कहते हैं, उसमें सब कुछ सम्मिलित हो जाता है। तो वो कहते हैं कि डिसेबिलिटी जो है उसके कंपोनेंट्स हैं, बहुत सारे पार्ट्स हैं, जिसमें कि पहला पार्ट है इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट का मतलब, जिसे हम हिंदी में विकार कहते हैं, इम्पेयरमेंट, ये शरीर में अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, कोई भी अंग काम नहीं कर रहा या कोई फंक्शनिंग नहीं हो रही प्रॉपर, तो वो इम्पेयरमेंट कहलाई जाती है। दूसरा पार्ट आता है डिसेबिलिटी का, एक्टिविटी लिमिटेशन। एक्टिविटी लिमिटेशन में अगर शरीर में कोई प्रॉब्लम है, कोई कोई एक पार्ट काम नहीं कर रहा, कहीं पर फंक्शनैलिटी में प्रॉब्लम है, तो उस वजह से हम कुछ एक्टिविटी नहीं कर पाते। डे टू डे एक्टिविटी में जो हमें तकलीफें झेलनी पड़ती हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, तो वो एक्टिविटी लिमिटेशन होती है। और तीसरा ये है कि पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन, कि हम पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, अब हम सम्मिलित नहीं हो पाते किसी भी चीज में। अब मैं जिस तरह से आपको एक एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण देकर बताती हूँ कि अगर किसी को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाती है, रीढ़ की हड्डी में चोट लग जाती है, तो वो रीढ़ की हड्डी की जो चोट है वो होती है इम्पेयरमेंट। लेकिन वो व्यक्ति अगर चल नहीं पा रहा उस चोट की वजह से, तो वो होती है, और वो चल नहीं पा रहा, वो अपना खुद का काम नहीं कर पा रहा, तो वो हो जाती है एक्टिविटी लिमिटेशन। लेकिन अगर वो सम्मिलित नहीं हो पा रहा, बाहर नहीं जा पा रहा, नौकरी नहीं कर पा रहा, डे टू डे पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा एक्टिविटी में,
तो वो पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन होती है। तो डिसेबिलिटी इन तीनों चीजों का एक समूह का है, कहा जाता है उसको। तो इस तरह से हम सिर्फ शरीर के विकार ही नहीं देखते हैं, जो हमारी अड़चने आती हैं, जिसे पुराने जमाने में हैंडीकैप कह दिया जाता था, तो ऐसा नहीं है। ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये जो डिसेबिलिटी, बहुत कुछ तो हमें जो अड़चनों की वजह से भी तकलीफें झेलनी पड़ती हैं, जैसे सीढ़ियां होती हैं, या वॉशरूम एक्सेसिबल नहीं है, या जो देख नहीं पाते हैं उनके लिए ब्रेल में साइंस नहीं है, और जो सुन नहीं पाते हैं उनके लिए इंटरप्रेटर्स नहीं प्रॉपर मिलते हैं। तो ये जो अड़चने हैं, ये डिसेबिलिटी को बढ़ाती हैं कहीं ना कहीं। जी, बहुत ही व्यापक डेफिनेशन है इसकी। इसको हमने फिजिकली, मेंटली, जितनी भी हमारे पार्टिसिपेशन हुए उसमें जितने ऑब्स्टिकल्स आए उसको जी लेके WHO ने जो डिफाइन किया है डिसेबिलिटी को, उसी को हाँ आगे जी बढ़ाते हुए हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू RPWD 2016, राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने किन किन मेजर डिसेबिलिटीज को इंडियन लॉ में कंसिडर किया है? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में तो हर व्यक्ति, भारत देश का हर सिटीजन, हर नागरिक इक्वल बिफोर लॉ है। उसे हर हर चीज की सहूलियत, और ये नहीं कि कोई डिसेबल्ड है, नॉन डिसेबल्ड है, वहां पर अब भेदभाव नहीं है, वहां सब समान है। RPWD एक्ट पास हुआ था 2016 में, और इसमें सेक्सुअल अब्यूज, जिसे हम यौन शोषण और यौन हिंसा, ये सब इंक्लूड किया था कि सेफ गार्ड करना महिलाओं को, पुरुषों को। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुषों के साथ ही ये सेक्सुअल असॉल्ट होता है या यौन शोषण होता है, पुरुषों के साथ भी होता है, लड़कों के साथ भी होता है। तो अगर किसी को इस चीज को लेकर टॉर्चर किया जाता है, अब्यूज किया जाता है, उनका उत्पीड़न होता है, या हिंसा की जाती है, तो RPWD एक्ट में इसके लिए स्पेशल क्लॉजेस हैं, और प्रोटेक्शन के लिए हम न्यायालय जा सकते हैं, हम जस्टिस की डिमांड कर सकते हैं इस एक्ट के तहत। और बाकी जहां तक अगर हम और लॉज या एक्ट की बात करें, तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है, और पॉस्को है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, जो 18 साल से नीचे बच्चों के साथ अगर कुछ भी इस तरह का हादसा होता है, यौन उत्पीड़न होता है, या हिंसा होती है डिसेबल बच्चे के साथ, उसमें भी हम कोर्ट जा सकते हैं, और स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं कि हम कोर्ट में अगर सपोज कोई हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चा जाता है, या किसी को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है वो जाता है, तो उन्हें स्पेशल एजुकेटर दिया जा सकता है कोर्ट में, ताकि वो उनकी बात समझ के आगे जो प्रोसीडिंग्स है उसमें हेल्प कर सके। क्योंकि डायरेक्टली जो विक्टिम है वो अपने आप को, हो सकता है कई बार एक्सप्लेन नहीं कर पाता, वो बता नहीं जी पाता अपनी दिक्कत को, तो स्पेशल एजुकेटर्स का प्रोविजन है, और साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स का प्रोविजन है, तो इस तरह से उनकी हेल्प कर दी जाती जी है। इन हाँ सारे एक्ट्स के बारे में हम थोड़ा और डिटेल से आपसे जानेंगे अभी। और जी अभी पहले हम ये आभा जी ये जानना चाहेंगे कि इसमें मेजर डिसेबिलिटीज जो आपने अभी बताई थी, और अभी हम बात करने जा रहे हैं सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में। जी सेक्सुअल असॉल्ट जो होता है और सेक्सुअल अब्यूज होता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, इन तीनों चीजों में कुछ किसी तरह का डिफरेंस है? हाँ, देखिए, बहुत बार ये जो टर्म्स हैं तीनों, ये इंटरचेंजेबली यूज हो सकती हैं, लेकिन अगर हम सेक्सुअल वॉयलेंस या सेक्सुअल असॉल्ट, ऑलमोस्ट सेम माना जाता है, तो इसमें जी और इंक्लूड क्या हो जाता है, रेप इंक्लूड हो जाता है, जो बलात्कार वो इंक्लूड होता है, किसी को फोर्सफुली एनल सेक्स में मजबूर करना या ओरल सेक्स के लिए मजबूर करना, वो भी इसका हिस्सा बन जाता है। कोई ऑब्जेक्ट की पेनिट्रेशन करना जो प्राइवेट पार्ट्स में, वो इसका पार्ट हो जाता है, या मैरिटल रेप, कई बार शादी के बाद भी बलात्कार होता है, शादी विवाहित औरत के साथ भी बलात्कार किया जाता है। हाँ, लेकिन अभी हम हमारे कोर्ट्स में अभी इसके लिए कोई सब प्रावधान नहीं है, कोई इसको हम प्रूव नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये भी सेक्सुअल वायलेंस का हिस्सा है। अगर किसी को हम अनवांटेडली टच करते हैं,
छू लें बिना परमिशन के या एक गलत तरीके से छुअन, वो भी सेक्सुअल वायलेंस मानी जाती है। और छोटे बच्चों के साथ कई लोग पॉर्न पिक्चर्स शूट कर लेते हैं या इंटरनेट पे इमेजेस शेयर कर लेते हैं जो प्रॉपर इमेजेस नहीं है, जो नेकेड इमेजेस हैं या जो पॉर्न पिक्चर्स हैं वो अगर हम शेयर कर लें या कोई हमें भेज दे, हम किसी को भेज दें, वो सब सेक्सुअल असॉल्ट का या वॉयलेंस का पार्ट माना जाता है। तो और खुद कोई भी अगर सेक्सुअल एक्टिविटी बिना कॉन्सेंट के, बिना हामी भरे अगर हो रही है तो दैट इज कंसिडर्ड एज सेक्सुअल वायलेंस, वो सेक्सुअल वायलेंस मानी जाती है। जी, तो डिसेबिलिटी एंड सेक्सुअल असॉल्ट को डिस्कस करने के बाद आज का हमारा जो मेन सब्जेक्ट है कि हम पीपल विद डिसेबल पीपल विद डिसेबिलिटीज हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे सेक्सुअल असॉल्ट के साथ में। सेक्सुअल असॉल्ट के विक्टिम्स और उसकी फैमिली के लिए एक बहुत ही लॉन्ग टर्म फिजिकल एंड मेंटल इम्पैक्ट होता है उनकी लाइफ में, चाहे वो जनरल पीपल हो या फिर डिसेबल पर्सन हो, कोई भी हो। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि इन कंपैरेटिव ऑफ जनरल पर्सन, डिसेबल पर्सन की कुछ अलग चैलेंजेस होते हैं सेक्सुअल असॉल्ट को लेके? बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि कई बार वो बता नहीं पाते हैं, जिन्हें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, बौद्धिक रूप से विकलांगता होती है, वो बता नहीं पाते कि उनके साथ क्या हो रहा है। तो आबा जी, मैं चाहूंगी कि आप कुछ डिसेबिलिटीज को डिस्कस करते हुए ये एग्जांपल देते हुए हमारे को वो सारे चैलेंजेस बताइए कि अगर मेंटल इलनेस किसी को है तो उसको किस तरह के चैलेंजेस कैसे फेस करने पड़ेंगे। देखिए, वो समझा नहीं पाते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि जो कॉन्सेंट किसको कहते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि अगर कोई हमें किस तरह से छू रहा है, उन्हें समझ में नहीं आता। जिन्हें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज होती है वो अपने आप को बचा नहीं पाते हैं, वो समझा नहीं पाते कि उनके साथ क्या हुआ, और वो ना नहीं कह पाते। कोई अगर कोई अब्यूजर उनके पास आ रहा है या उन्हें गलत तरीके से छू रहा है तो वो एक तो मना नहीं कर पाते हैं, दूसरा उनको मालूम नहीं पड़ता कि उनके साथ क्या हो रहा है, और होने के बाद भी वो कई बार अपने आप को अपनी तकलीफ नहीं समझा पाते हैं या किस तरह से किसे बताएं, वहां दिक्कत रहती है। लेकिन जिन्हें लोकोमोटर डिसेबिलिटी होती है, चलने फिरने की दिक्कत होती है, वो अपने आप को बचाना उनके लिए मुश्किल, वो समझते तो हैं कि क्या हो रहा है पर कई बार वो अपने आप को बचा नहीं पाते क्योंकि उस जगह से वो हट नहीं पाते हैं, भाग नहीं पाते हैं, अपना बचाव नहीं कर पाते हैं। और अगर किसी को बधिरता है, वो सुन नहीं पा रहे हैं तो वो बोल भी नहीं पा रहे हैं, तो वो कम्युनिकेट कैसे करेंगे, वो किसे बताएंगे, कैसे बताएंगे? क्योंकि ज्यादा करके जो सुन नहीं पाते हैं उनके परिवार वाले भी साइन लैंग्वेज नहीं जानते हैं, बहुत बार ऐसा होता है, तो वो किसे बताएं, वो समझाएं कैसे किसी को? जो देख नहीं पाते, नेत्रहीनता है जिनको, उन्हें मालूम नहीं होता कि जो जो वायलेटर है या जो अब्यूजर है वो कौन था, वो उसे पहचानने में दिक्कत होती है, वो उनको कहाँ ले गए, कौन सी जगह ले गए, वो जगह बता नहीं पाते। तो इस तरह से सबके अपने चैलेंजेस होते हैं और माँ बाप के लिए अपने हिसाब से अपने चैलेंजेस होते हैं कि वो समाज के डर से चुप रह जाते हैं कि समाज क्या बोलेगा, हम कैसे पुलिस स्टेशन जाएंगे, हम कैसे रिपोर्ट करेंगे। तो इस तरह के चैलेंजेस सबके सामने आते हैं माँ बाप। और जो वॉयलेटर है या जो जिस जो कसूरवार है वो छूट जाता है बहुत बार, क्योंकि वो कई बार धमका देता है विक्टिम को कि मैं सबको बता दूंगा या जो मैं सर्विस प्रोवाइड तुम्हें कर रहा हूँ वो नहीं करूंगा, क्योंकि वो कई बार अपने आसपास में ही होते हैं, हमारे कई बार अपने परिवार के ही लोग होते हैं जो सेक्सुअल असॉल्ट करते हैं, तो इस वजह से उनको सजा देना बहुत मुश्किल पड़ जाता है, पहचानना मुश्किल हो जाता है उनको। जी, आप जैसे आप बता रहे हैं कि डिसेबल लोगों के लिए पर्टिकुलर कुछ कुछ ऐसी डिसेबिलिटीज होती है कि उनको बताना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, कि जो सुन नहीं पा रहे हैं, जो देख नहीं पा रहे हैं, जो मानसिक रूप से विकलांग है,
तो फिर उनकी फैमिली वाले, उनके परिवारजन किस तरह से ये चीजें आइडेंटिफाई कर पाते हैं, कैसे रिकॉग्नाइज कर पाते हैं कि उनके साथ कुछ गलत हुआ, उनके एब्सेंस में अगर उनके ही करीबी रिश्तेदार उनके साथ कुछ इसी तरह का यौन शोषण या यौन हिंसा करते हैं, तो कैसे जी कोई इंडिकेट कर पाते, कोई अलग सा साइन संकेत कुछ पहचान करने के लिए? जी बहुत बहुत तरह के संकेत हम देख सकते हैं, बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं फिजिकल इंडिकेटर या बिहेवियरल साइंस में। फिजिकल में तो पहली बात है कि जो विक्टिम है वो बता दे कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, या शरीर पे निशान दिख जाते हैं अगर, क्योंकि जो खुद से अपना कपड़े बदलना या नहाना धोना जो नहीं कर पाते हैं, जिन्हें सिवियर डिसेबिलिटीज होती हैं, तो जो केयर गिवर होता है या माता होती है या कोई भी पेरेंट है, वो शरीर पर निशान देख के समझ सकता है कि कहाँ पर निशान है या ऐसे निशान कैसे आए। थाइज में निशान हो सकते हैं, लोअर एब्डोमेन में निशान हो सकते हैं, जोर से पकड़ने के निशान हो सकते हैं, या जो चल फिर पाते हैं उनके चलने या उठने बैठने में दिक्कत हो रही है तो वो क्यों हो रही है। तो ये सब चीजें नोटिस करना बहुत जरूरी होता है। कई बार इवन जो विक्टिम है वो सुसाइड भी अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो मेंटली इतना अपसेट हो जाता है, इतना साइकोलॉजिकली ट्रॉमा उसको हो जाता है कि वो अपने आप सुसाइड अटेम्प्ट करने की भी कोशिश करते हैं। और कई कपड़े फटे हुए देख सकते हैं, या कहीं खून के धब्बे तो नहीं लगे हुए, और कुछ समय हो गया या लगातार अगर इस तरह का शोषण हो रहा है किसी के साथ, तो वहां पर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है, तो उसके सिम्टम्स देखे जा सकते हैं, या फिर प्रेगनेंसी भी हो सकती है। तो ये फिजिकल इंडिकेटर्स हैं काफी। बिहेवियरल साइंस में नींद की कमी होना, भूख ना लगना, या अब बिहेवियर बदल जाना, जो भी विक्टिम है उसका बिहेवियर बदल जाता है और एंजाइटी अटैक्स आने लग जाते हैं अचानक से, वो चिल्लाने लगता है, या डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। तो इस तरह के जो इंडिकेटर्स हैं, इससे घर वाले या माता पिता या केयर गिवर्स देखकर कई बार पहचान सकते हैं। जी आभा जी, बहुत ही दर्दनाक और शर्मनाक है साथ ही साथ के इस तरह के हादसे जब हम सुनते हैं डिसेबल लोगों के साथ, एक आम इंसान के साथ भी ये कल्पना करना बहुत मुश्किल है। और जब ऐसे होते हैं तो बहुत सारे ऐसे डिसेबल पर्सन होंगे जिनको कुछ अलग तरह से भी असॉल्ट किया जाता होगा आम इंसान से, कुछ हाँ जी क्योंकि वो जो सुन नहीं पाते हैं उनके साथ में कुछ अलग तरह की कोई कोई ऐसी प्रक्रिया वो कर ले जिससे कि उनका और यौन हिंसा हो रही है उनके साथ में, वैसा कुछ भी है? देखिए, यौन हिंसा तो जैसे अगर कि वो किसी को रिपोर्ट ना कर पाए, इस तरह से जो वायलेटर है या जो कसूरवार है या जो अब्यूजर है, वो क्या कर सकते हैं, हेयरिंग एड्स छुपा सकते हैं, हटा दिए कि वो अच्छा उनको अपने आसपास की आवाज ही ना सुनाई दे, या वो जी किसी को कुछ बता ही ना पाए। सो इस तरह से, और सिर्फ सेक्सुअल असॉल्ट ही क्यों, वैसे वॉयलेंस भी हो जाती है, वो दवाई बंद कर दिया या व्हीलचेयर हटा दिया या जो भी वो एड्स यूज करते हैं, अपने असिस्टिव डिवाइसेस यूज करते हैं, उन्हें उनके पास से हटा दिया, धमका दिया, किसी भी तरह से वो इस चीज अपना फायदा उठाकर अब खुद निकल सकते हैं वो बाहर। मतलब उनकी एक्सेसिबिलिटी को वो ब्लॉक कर लेते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कि वो तो कुछ कह ही उनके ना लिए पाए। डबल चैलेंजिंग हो गया ये सारी चीजें। बिल्कुल बिल्कुल तो इस तरह के जब क्राइम होते हैं तो इनकी रिपोर्ट करने के लिए क्या प्रोसीजर क्या होता है, कुछ अलग तरह का प्रोसीजर होता है? क्योंकि इन लोगों के लिए बता पाना मुश्किल होता है, और जी। कोई स्पेशल एजुकेटर या कुछ भी? देखिए, रिपोर्ट तो उसी तरह से की जा सकती है जैसे सबकी रिपोर्ट होती है, पुलिस स्टेशन में FIR लॉन्च करना, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। सबसे पहले तो मेडिकल केयर में चैलेंज आता है कि अगर किसी को बहुत लग गई है वायलेंस के दौरान, या मेडिकल चेकअप कराना है, रेप हुआ है, तो उस मेडिकल केयर के दौरान, चेकअप के दौरान बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि जो विक्टिम है वो समझा नहीं पा रहा अपनी बात को, उसे क्या हुआ, और कई बार डॉक्टर्स को भी समझ नहीं आता।
वो उनको डिसेबिलिटी को हैंडल करना नहीं आता, उस तरह की डिसेबिलिटी को, तो मेडिकल केयर में पहले दिक्कत आती है, फिर पुलिस से इंटरेक्शन से, पुलिस 100 सवाल पूछती है, अगर कोई सुन नहीं पा रहा तो वो कैसे, पुलिस पुलिस कर्मियों को तो साइन लैंग्वेज नहीं आती है, ऐसे में कोई साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर का वहां होना जरूरी है, तो अगर वो नहीं है तो वहां पुलिस के साथ इंटरेक्शन में प्रॉब्लम आती है, और पुलिस उतनी सेंसिटिव नहीं है, उतनी उनको ट्रेनिंग नहीं मिली हुई कि वो एक वुमन विद डिसेबिलिटी को, एक पर्सन विद डिसेबिलिटी को, उनके साथ किस तरह से बातचीत करें, किस तरह से एम्पथी रखें उनके साथ। फिर बात आती है जुडिशियल प्रोसेस की, वहां कोर्ट केस चलने साल भर साल चलते ही जाते हैं, चलते ही जाते हैं, और न्याय मिलना बहुत मुश्किल होता है, हर चीज का प्रूफ मांगा जाता है या विक्टिम से पूछा जाता है, अगर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है तो विक्टिम कैसे बताएगा कि मेरे साथ क्या हुआ, किसने किया, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता, तो इस तरह से बहुत सारे, और जो डर होता है मन में इस लंबे प्रोसेस का, लंबी क्रिया का, या एम्बेरसमेंट्स का, और समाज में बदनामी का, वो डर एक अलग होता है। और जो कॉम्पेंसेशन, कई बार अगर गवर्नमेंट कहती है कि जब तक न्याय नहीं मिलता कॉम्पेंसेशन दे दी जाए, तो वो मिलना, उसके लिए अलग चक्कर काटना, तो रिपोर्टिंग में ढेर सारे चैलेंजेस होते हैं वहां पर, तो परिवार वालों को बहुत मुश्किल उठानी पड़ती है। जी, इसमें आभा जी, रिपोर्टिंग के बावजूद भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे ऐसे अमेंडमेंट्स आए हैं, नए बहुत सारे कानून भी बने हैं। निर्भया कांड जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया था, उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इतने जबरदस्त अमेंडमेंट्स हुए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि कुछ अमेंडमेंट्स और कुछ प्रोविजंस आप हमारे साथ में, लीगल प्रोविजंस आप हमारे साथ में डिस्कस करें। हाँ जी, कॉन्स्टिट्यूशन में तो अमेंडमेंट नहीं हुआ, लेकिन 2013 में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, जो निर्भया कांड के बाद आया था, तो यहाँ पर उसमें स्पेशल प्रोविजंस हैं वुमेन और गर्ल्स विद डिसेबिलिटीज के लिए, कि उनको ये छूट दे दी गई है कि वो अपनी स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड करनी है वो पुलिस स्टेशन में भी कर सकते हैं, या अपने घर पे भी रिकॉर्ड, पुलिस घर पर आएगी और उनकी स्टेटमेंट वहां पर भी उनको रिकॉर्ड करने की एक चॉइस दे दी गई है, और उस दौरान साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर मौजूद हो सकता है, और उनके लिए कोई भी सपोर्ट का पर्सन जो उनको सपोर्ट कर सकता है, चाहे वो परिवारजन हो या कोई भी और हो, वो सपोर्ट पर्सन उस दौरान रहेगा कंप्लेन करते वक्त, और इवन जब ट्रायल होगा, जब कोर्ट में केस चलेगा, तब भी कोई सपोर्ट पर्सन हो सकता है, क्योंकि वुमेन विद डिसेबिलिटी या गर्ल विद डिसेबिलिटी वो बहुत डर जाते हैं, वो सहम जाते हैं, तो इस वजह से सपोर्ट पर्सन की बहुत जरूरत रहती है। और जो मैंने जैसे पहले बताया था, पॉस्को में भी ये आया है कि स्पेशल प्रोविजंस हैं 18 साल से नीचे बच्चों के साथ, अगर वन हाँ जी सेकेंड, मैं आपको इंटरप्ट करूंगी। जो जी आपने अभी अमेंडमेंट बताया क्रिमिनल लॉ वाला, वो फिर से उस अमेंडमेंट का एक उस लॉ का नाम बता दीजिए, क्योंकि कर्मा फाउंडेशन फेसबुक से ये बात काफी लोगों तक तो आज पहुंचने वाली है, और मैं चाहती हूँ एक बहुत अच्छी सी अवेयरनेस हमारी सोसाइटी में आए इन एक्ट्स को लेके। तो जी प्लीज ये नाम फिर से आप मेंशन। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, जी हाँ 2013 में आया था, ओके एंड अभी आप उसके बाद बता रहे थे पॉस्को एक्ट के बारे में। पॉस्को में प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, इसमें भी कुछ प्रोविजंस हैं कि कोर्ट में स्पेशल एजुकेटर की मौजूदगी रह सकती है, और साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर भी दिया जा सकता है, जो बच्चे अपना बता नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते, तो वहां पर स्पेशल एजुकेटर और साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर की मौजूदगी अलाउ करी हुई है। जी एंड और कोई एक्ट, जेजे एक्ट के बारे में। हाँ जी, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट सेम, उसमें भी ऐसा ही है कि कोर्ट्स में स्पेशल एजुकेटर और साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर। छोटे बच्चों के साथ जब कोई हादसा होता है तो उनके लिए स्पेशल एजुकेटर होते हैं अंडर पॉस्को एक्ट एंड जेजे एक्ट, राइट हाँ जी हाँ जी, एंड आरपीडी। RPWD एक्ट में तो क्लॉजेस हैं ही हैं कि वुमेन विद डिसेबिलिटीज को प्रोटेक्ट करना है बाय लॉ, अगर वायलेंस हो रही है तो वहां स्पेशल क्लॉजेस हैं, प्रोटेक्शन
प्रोटेक्शन फ्रॉम अब्यूज, टॉर्चर एंड सेक्सुअल वायलेंस, उन क्लॉजेस के अंतर्गत भी हम कोर्ट में जा सकते हैं, केस हो सकता है वहां पर। जी एक्चुअल अभी इंडिया की एक्चुअल क्या सिचुएशन है, डिसेबल लोगों के साथ ये क्या रेशियो है सेक्सुअल असॉल्ट का, यहाँ पे एक्चुअल क्या कंडीशन है, क्योंकि इतने सारे नए अमेंडमेंट्स होने के बाद में उसके बावजूद भी आज भी देश के किसी न किसी कोने में हम सुनते जा रहे हैं कि ऐसी दर्दनाक और शर्मनाक घटनाएं होती जा रही है, निरंतर होती जा रही है, पूर्णतया बंद नहीं हुई है अभी भी, जी जी तो जी इसकी क्या वजह है? वजह तो देखिए, वजह जो सेक्सुअल असॉल्ट की वजह है वो तो सबके साथ सेम वजह है, जो नॉन डिसेबल्ड है या डिसेबल्ड है, वो वजह। हमारे हमारा कानून स्ट्रिक्ट नहीं है अभी, और कुछ चेंजेस की हाँ जरूरत है, बिल्कुल क्या है? बिल्कुल, सीधा मैं तो हमेशा से यही कहती हूँ कि ऐसे अब्यूजर को, ऐसा ये करने वाले को तो सीधा सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए, फांसी तक की सजा होनी जरूरी होती है। और जहां तक डेटा का सवाल है कि कितनी वुमेन विद डिसेबिलिटीज के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है या होता है, वो डेटा हमारे पास मौजूद नहीं है। अभी कुछ दिन पहले बहुत सारे एनजीओज ने, बहुत सारे एक्टिविस्ट ने मिलकर अमित शाह जी को एक पत्र लिखा है, जिसमें कि रिक्वेस्ट की गई है कि जो नेशनल क्रिमिनल रिकॉर्ड ब्यूरो है, नेशनल क्रिमिनल रिकॉर्ड ब्यूरो जो भी क्राइम होता है उनका रिकॉर्ड रखते हैं, तो उसमें डिसेबिलिटी का डेटा अलग से मौजूद होना चाहिए कि किसका, किसके साथ क्या क्राइम हुआ है, कितनी महिलाओं के साथ, क्योंकि ये बहुत कुछ अननोटिस्ड रहता है, बहुत कुछ अनरिपोर्टेड रहता है। तो देखिए अभी उनको पत्र गया हुआ है और क्या होता है इसका अभी अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं, तो अभी ये कुछ दिन पहले ही पत्र लिखा गया है। आभा जी, एज अ मेंबर ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट कमिटी, आपका किस तरह का एक्सपीरियंस वहां पे रहता है, जब इस तरह की केसेस घटनाएं आप जब सुनती हैं, आपके क्या सजेशंस और सुझाव रहते हैं कि किस तरह के कानूनी और सामाजिक बदलाव की अभी और जरूरत है? देखिए बहुत सारा बदलाव चाहिए, अभी तो सबसे पहले अवेयरनेस चाहिए, जागरूकता की कमी है इस चीज को लेकर, और खास करके जो माता पिता हैं, जो घर वाले हैं, उनको ये समझाना पड़ता है कि आप छुपाइए मत, आप न्याय के लिए आगे जाइए, आप रिपोर्टिंग कीजिए, क्योंकि बिना रिपोर्टिंग के कुछ नहीं होगा। तो उनको उस तरह से समझाना बहुत पड़ता है, उनकी काउंसलिंग बहुत जरूरी होती है। और साथ ही साथ हम रेकमेंड करते हैं कि जो पुलिस कर्मी हैं या जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं, उनको एक तरह से ट्रेनिंग दी जाए पर्संस विद डिसेबिलिटीज के साथ बातचीत करने की, कम्युनिकेट करने की, या किस किस डिसेबिलिटी में किस तरह की प्रॉब्लम आती है। कई बार डॉक्टर्स भी पूरी तरह से नहीं जान पाते हैं, अलग अलग में स्पेशलाइजेशन होती है उनकी, तो डिसेबिलिटी के साथ उनकी सेक्सुअल हेल्थ की क्या जरूरतें हैं क्या नहीं है, तो इस तरह की ट्रेनिंग, पुलिस कर्मियों की ट्रेनिंग, जुडिशियल ऑफिसर्स की ट्रेनिंग, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि किस तरह वो बातचीत कर पाए, क्योंकि कई बार स्पेशल एजुकेटर नहीं मौजूद हो सकता या नहीं मिल सकता, तो पुलिस को खुद ये सब कम्युनिकेशन आनी चाहिए। और जो भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर है, उनकी गाइडलाइंस का पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन सबसे ज्यादा जरूरी है, हर जगह जरूरी है। और डेटा, जैसे मैंने आपको कहा, डेटा इकट्ठा करना, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है वो क्राइम कितना हो रहा है, कहाँ हो रहा है, क्या रेट से हो रहा है, तो हम उसको रोकेंगे कैसे। तो डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, और हर सेक्टर में नेचुरली अवेयरनेस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आभा जी, जी आपने अभी कुछ स्पेशल ट्रेनिंग की पुलिस कर्मियों के लिए बात की, जी एंड जहाँ पे आपके मेडिकल इंस्ट्रक्टर या हेल्थ इंस्ट्रक्टर मौजूद नहीं हो, वहाँ पे पुलिस कर्मियों को ये सब ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, लेकिन एज अ पेरेंट उन लोगों को भी कुछ एक काउंसलिंग की जरूरत पड़े अपने घर में डिसेबल लोगों को डील करने के लिए, तो उनकी काउंसलिंग किस तरह से की जानी चाहिए? हाँ जी, उनको देखिए पहली बात है कि कई बार परिवार
कि लोग भी मानना नहीं चाहते हैं या मानने को तैयार नहीं होते कि उनके बच्चे के साथ कुछ इस तरह का बुरा व्यवहार हुआ है। वो अपने बच्चे को ही कई बार गलत मान लेते हैं। जैसे अगर कोई करीबी है या कोई केयर गिवर रखा हुआ है किसी डिसेबल्ड व्यक्ति के लिए केयर गिवर, तो वो केयर गिवर ही सेक्सुअल असॉल्ट करके चला जाता है, पता नहीं चलता। और जो विक्टिम है वो अपने घर वालों को बताता रहता है तो माँ बाप मानते ही नहीं, अरे नहीं ऐसा नहीं हुआ होगा, या तुम समझ नहीं पाए होगे, या किस तरह से। तो पहली बात है कि माँ बाप की एक्सेप्टेंस आनी बहुत जरूरी है। या तो वो डर कर मना कर देते हैं, वो डर जाते हैं, समाज से डरते हैं कि हम क्या मुंह दिखाएंगे समाज को, या वो सोच भी नहीं सकते हैं कि जिसे डिसेबिलिटी है या हमारा बच्चा है वो सेक्सुअली एक्टिव भी हो सकता है, वो उसको इस तरह से उसका शोषण भी हो सकता है। तो माँ बाप की काउंसलिंग करना तो बहुत ज्यादा घर वालों की जरूरी होता है, उन्हें समझाना कि ये भी एक उसी तरह से सेक्सुअलिटी उसी तरह से है जिस तरह से नॉन डिसेबल्ड इंसान की होती है, तो कोई अलग नहीं है उसमें, तो उसका भी शोषण हो सकता है। तो माँ बाप को समझाना जरूरी है। और ये जो मैंने आपको इंडिकेटर्स बताए, बिहेवियरल साइंस बताए हैं, माँ बाप को उनको देखते रहना चाहिए, समझना चाहिए बच्चे को अपने। हाँ जी बेहद जरूरी है ये जी जी। आप आभा जी, आपका जो क्रॉस द हर्डल साइट है उसके बारे में कुछ बताइए हमें। जी क्रॉस द हर्डल एक संस्था है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे मैं हेड करती हूँ। और ये हमारी 2011 में स्थापित की थी। और इसमें हम फ्री काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को। और इसके अलावा हम एजुकेशनल मटेरियल रेडी करते हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन और जो अवेयरनेस है वो बहुत कम है, तो हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं बहुत सारे इश्यूज पे। अब जैसे हम एक सेक्सुअलिटी एजुकेशन कोर्स चलाते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है और उसे कोई भी ज्वाइन कर सकता है, तो वो ऑनलाइन कोर्स है। तो सेक्सुअलिटी एजुकेशन पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उन्हें अपने शरीर के बारे में इंफॉर्मेशन प्रॉपर होनी चाहिए, या एज अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, या उनको हेल्थ नीड्स क्या होती हैं, किस तरह के टेस्ट चाहिए। तो सेक्सुअल हेल्थ बहुत ज्यादा जरूरी है, खास करके महिलाओं के लिए। तो तो जी हम वो आभा जी जी तो ये कोर्स वो लोग भी कर पाएंगे जो नहीं सुन सकते हैं या मानसिक विकलांग है जिनको समझ नहीं है उनके लिए भी है? जो जिनको बौद्धिक विकलांगता है वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऑनलाइन कोर्स है। हाँ, लेकिन जो सुन नहीं सकते हैं या जो देख नहीं सकते हैं क्योंकि पूरा एक्सेसिबल है ये कोर्स, वो सब ज्वाइन कर सकते हैं इसको। और ये कोर्स फ्री में है, किसी को कोई एक पैसा की देने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ उनके लिए है कि वो अपने लिए इंफॉर्मेशन ले सके। तो इस तरह की एजुकेशनल मटेरियल है हमारे पास। डिसेबिलिटी एटिकेट एंड अवेयरनेस का एक कोर्स है जो कि नॉन डिसेबल्ड लोगों के लिए है, जो डिसेबल्ड नहीं है और उन्हें अगर जानना है डिसेबिलिटी के बारे में, या किस तरह से उनको कम्युनिकेट करना चाहिए, किस तरह से बिहेव करना चाहिए डॉक्टर्स के लिए, जर्नलिस्ट के लिए, तो इस तरह के हम ट्रेनिंग सेशंस प्रोवाइड करते हैं। जी काफी हेल्पफुल हेल्पफुल रहेगा उनके लिए ये कोर्स। एंड आई थिंक आज कर्मा फाउंडेशन पेज के थ्रू ये बात काफी लोगों तक पहुंचेगी और जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आप एक बार अपनी साइट का पूरा नाम बता दीजिए, मैं चाहूंगी। हाँ जी, www.crossthehurdles.org। आभा जी, इसमें सेक्सुअल हेल्थ एजुकेशन का भी पूरा प्रॉपर सारा जी बिल्कुल सब है। हाँ जी, उसके अलावा मैंने पिछले साल एक मैनुअल बनाया था, एक बुक बनाई थी जिसमें वुमेन विद डिसेबिलिटीज के लिए, सिर्फ वुमेन विद डिसेबिलिटीज के लिए, उनकी सेक्सुअल हेल्थ एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स के बारे में वो किताब है। तो वो किताब भी हमारे पास अवेलेबल है और वो पूरे एक्सेसिबल फॉर्मेट में है। वो ऑडियो बुक भी है और वो जो स्क्रीन रीडर एक्सेसिबिलिटी है उसमें, की जो स्क्रीन रीड करते हैं जो देख नहीं पाते हैं, उस तरह के फॉर्मेट में भी वो किताब अवेलेबल है। तो जो भी किसी को भी चाहिए वो हमें लिख देते हैं, हमें सॉफ्ट कॉपी भी भेज देते हैं। थैंक यू वेरी मच आभा जी। आपके कुछ और मैनुअल्स भी हैं जिनके बारे में हम यहाँ जानना चाहेंगे, तो प्लीज थोड़ा सा ये बहुत हेल्पफुल रहेगा पीपल विद डिसेबिलिटीज के लिए। जी हाँ जी,
देखिए, एक मैंने ब्रेस्ट कैंसर सेल्फ एग्जामिनेशन पे एक मैनुअल लिखा था, वो भी वुमेन विद डिसेबिलिटीज के लिए है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज्यादा फैल रहा है, एक एपिडेमिक के जैसे फैल रहा है, और वुमेन विद डिसेबिलिटीज की ये वाला जो हेल्थ पार्ट है ये बहुत निग्लेक्ट हो जाता है, क्योंकि उनको एग्जामिनेशन के लिए ले जाना, ये सारी स्क्रीनिंग करवानी एक बहुत दिक्कत होती है। घर वाले कई बार लेकर नहीं जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि एक्सेसिबिलिटी नहीं होती है एग्जामिनेशन के लिए। तो वो एक मैनुअल है जिसमें पिक्चर्स के साथ, इमेजेस के साथ हमने ये सिखाया हुआ है कि वुमेन विद डिसेबिलिटी खुद अपनी एग्जामिनेशन कैसे कर सकती हैं इजीली, या उनका केयर गिवर उनकी एग्जामिनेशन करके दे सकता है कि कहीं कोई लंप तो नहीं है ब्रेस्ट में, या कुछ डेवलप तो नहीं हो रहा। तो एक सेल्फ एग्जामिनेशन पर एक मैनुअल है। दूसरा मैनुअल है मेंस्ट्रुअल मैनेजमेंट पर, मेंस्ट्रुअल मैनेजमेंट एंड हाइजीन पर, जो वुमेन एंड गर्ल्स विद डिसेबिलिटीज के लिए है, कि किस तरह से वो अपने सैनिटरी पैड्स चेंज कर सकते हैं, या क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में जिसको वो यूज कर सकते हैं, या यूज करने टाइम क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, किस तरह से केयर गिवर्स हेल्प कर सकते हैं उनकी, और ये सब है उस मैनुअल में। जी, थैंक यू आभा जी। एक मैं आपसे ये और बात जानना चाहूंगी, जो यू आर द फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडिया टू बी ऑनर्ड विद हेनरी विस्कार्टी अवार्डी, तो ये अवार्ड के बारे में कुछ हमको बताइए, किस तरह का अवार्ड है और यहाँ पे कैसे नॉमिनेट हुआ जाता है? देखिए, हेनरी विस्कारी अवार्ड अमेरिका से दिया जाता है, और हेनरी विस्कारी जो थे वो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के एडवाइजर थे, उन्हें खुद भी डिसेबिलिटी थी, तो उनके नाम से ये अवार्ड शुरू हुआ है। और इसके नॉमिनेशन फॉर्म्स जून जुलाई के अराउंड निकलते हैं, और हमें इसमें फॉर्म भरकर भेजना होता है, और कोई हमें नॉमिनेट करे इस अवार्ड के लिए तो ये अवार्ड मिलता है। मैं आपको अपनी स्क्रीन घुमा के ये दिखाती हूँ, ये पड़ा है हेनरी विस्कारी अवार्ड मेरे साथ। ये एक मुझे अमेरिका, मैंने जा नहीं पाई थी पिछले साल, उन्हीं दिनों कोरोना स्टार्ट हो गया था और लेने नहीं जा पाई थी, तो मेरी ये सिस्टर रहती है, उन्होंने मेरे बिहाफ पे ये अवार्ड लिया था वहां पर। थैंक यू आभा जी। हमने आज आपसे बहुत सारे यहाँ के पीपल विद डिसेबिलिटीज के बहुत सारे एक्ट्स डिस्कस किए, उनके क्या प्रोविजंस है, लीगल प्रोविजंस है, रिपोर्ट फाइल करने के क्या चैलेंजेस है, उनके क्या सोशल चैलेंजेस है, बहुत सारी चीजें डिस्कस की है। मेन इश्यूज अभी क्या चीज आप देखती हैं आपके नजरिए से कि इंडियन सोसाइटी में या फिर पूरे वर्ल्ड में इस तरह की जब भी समस्याएं होती हैं इन लोगों के साथ, तो इनके मेन इश्यूज किस तरह से इनकी फैमिली को इम्पैक्ट करते हैं, सोसाइटी को इम्पैक्ट करते हैं, इनकी खुद की लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं? सबसे पहले तो खुद की लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, कॉन्फिडेंस की कमी, लो सेल्फ एस्टीम, और हार मान जाते हैं अगर इस तरह की वॉयलेंस होती है, और बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं। उसके अलावा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होने का बहुत खतरा रहता है, प्रेगनेंसी का खतरा रहता है, तो ये सब। और माँ बाप तो खैर घर वालों को इश्यूज होते ही होते हैं उसमें, तो इस तरह की जो वॉयलेंस है वो क्या बोलते हैं, कम इसलिए कैसे कर सकते हैं हम, कि सबसे पहले अवेयरनेस की जरूरत है, अवेयरनेस लाने की, और खुद को पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को ना बोलना सिखाना है हमको, सेल्फ एडवोकेसी की उनको जरूरत है कि वो ना कैसे बोले, कंसेंट कैसे दे पाए, रिश्तों जो रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, कई बार अपने घर वाले ही या पति ही वही बलात्कार कर देता है, तो किस तरह से रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, ये सब बहुत कुछ है करने को, बहुत कुछ सिखाने को है। प्लस उसके अलावा मेडिकल केयर, हॉस्पिटल्स एक्सेसिबल नहीं है हमारे, हमें हेल्थ इश्यूज होते हैं या कुछ भी होता है तो हॉस्पिटल्स एक्सेसिबल बनाना। वुमेन विद डिसेबिलिटीज जो हैं वो एक बहुत ही पिछड़ा हुआ वर्ग है समाज का, क्योंकि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है वो तो पिछड़ा हुआ है ही, मार्जिनलाइज्ड है, पीछे है, उनको आगे नहीं किया जाता क्योंकि एजुकेशन नहीं मिलती है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है,
लेकिन जो वुमेन विद डिसेबिलिटीज हैं वो सबसे ज्यादा पिछड़े हुए हैं। वो उनको जेंडर बेस्ड वायलेंस का भी सामना करना पड़ता है कि लड़के और लड़की में वहां फर्क होता है। घर में अगर लड़का है, लड़की, खाना प्रॉपर नहीं दिया जाता, कई बार मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दी जाती, व्हीलचेयर नहीं खरीद के दी जाती, तो बहुत कुछ होता है, बहुत ज्यादा। शहरों में हम रहते हैं, हमें मालूम नहीं पड़ता, लेकिन छोटे शहरों या गाँव में जाए तो ऐसी जगह में शोषण बहुत ज्यादा होता है, पूछा नहीं जाता। तो एक इंसान समझना बंद किया जाता है, उनको इंसान समझना बहुत जरूरी है। पहली बार माँ बाप हमेशा या समाज हमेशा अगर बोझ लेकर चलेगा किसी को, तो वहां पर वो वर्ग पिछड़ेगा ही सही। आभा जी, आपने अपने करियर में, अपने इस एक्सपीरियंस में कभी इस तरह की घटनाएं भी फेस की है जहां पे पुरुषों के साथ भी इस तरह की कुछ यौन हिंसा या यौन शोषण होता है? बहुत होता है, बहुत ज्यादा होता है, पुरुषों के साथ, लड़कों के साथ बहुत होता है। प्लस जो LGBTQA+ कम्युनिटी है, जिन्हें समलैंगिक कहते हैं हम, और उनको अगर डिसेबिलिटी है तो उनके साथ बहुत ज्यादा शोषण होता है। उन्हें समाज का हिस्सा तो वैसे ही बहुत मुश्किल से माना जाता है, अगर विकलांगता साथ में हो जाती है तो उनके साथ बहुत बहुत मुश्किल होती है। मैं चाहती हूँ आभा जी, थोड़ा सा आप डिटेल में इस सब्जेक्ट के ऊपर थोड़ा डिस्कस करें, ताकि ये चीज थोड़ी सी अलग है। वीमेन विद डिसेबिलिटीज हमने फिर भी सुना है, ये चीज हमने नहीं सुनी है। कुछ ऐसे फैक्ट्स हमारे सामने आए ताकि इसके बारे में भी थोड़ी अवेयरनेस बढ़े हमारी सोसाइटी में। हाँ जी, जो जो LGBTQA+ कम्युनिटी है उनमें बहुत ज्यादा विकलांगता जिनको है, या वो तो अपने आप को बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते। पहली बात है, उनकी फैमिली में उनका उनकी सेक्सुअलिटी, सेक्सुअल ओरिएंटेशन का पता ही नहीं रहता, क्योंकि वो बताने में डरते हैं। अगर उन्हें डिसेबिलिटी है तो बहुत ज्यादा ही दिक्कत हो जाती है, क्योंकि ऐसे रिलेशनशिप्स में अगर प्रोटेक्शन नहीं लेते हैं, या सेक्सुअल रिलेशनशिप में प्रोटेक्शन नहीं लेते हैं, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, HIV, एड्स होने का बहुत खतरा रहता है। प्लस अगर अस्पताल जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो डॉक्टर्स, आप समझ सकते हैं कि क्या रवैया रहता है वहां पर डॉक्टर्स और मेडिकल प्रोफेशनल्स का। तो वो एक बहुत ही ज्यादा हीन भावना से ग्रस्त हो जाते हैं, हार मान बैठते हैं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई, नौकरी, साथ में इस तरह के जो इश्यूज हो गए, वॉयलेंस हो गया, तो बहुत ज्यादा उनको मेंटल ट्रॉमा और बहुत ज्यादा इश्यूज हो जाते हैं। वो मतलब कुछ मैं बता नहीं सकती हूँ कि कितना ज्यादा उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जी आमा जी, मुझे आज ये सब चीजें आपके साथ डिस्कस करते हुए बहुत ही संवेदनशीलता महसूस हो रही है कि ये चीजें जो लोग सफर करते होंगे उन पे क्या बीतती होगी। ये सिनेरियो जब हम एक कल्पना भी करते हैं, कहना आसान है कि कंसेंट, लेकिन जब ये सिचुएशन रियलिटी में आती है तो देर इज नो अवेयरनेस अबाउट, बिल्कुल क्योंकि अवेयरनेस सबसे नहीं है। पहले और हमारी यहाँ की बाउंड्री आ जाती है, सामाजिक मर्यादा, उससे आगे इंसान नहीं निकल पाते इन चीजों से। हाँ, और हमारी जो रूढ़िवादी सोच है सबसे ज्यादा वो हमें तकलीफ देती है। जो मान्यताएं बनी हुई हैं दिमाग में, जो रूढ़िवादी सोच है, उससे बाहर निकलना, उसको तोड़ के, उन दीवारों को तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि सबसे पहले इंसान को इंसान समझा जाए। और हम सब कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, समाज में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जरूरत मौका देने की होती है। तो अगर किसी को आप दबा कर, ऑप्रेस कर कर सदियों तक रख देंगे, तो वो कैसे उठ पाएंगे? वो अपने आप को, वो खुद ही अपने आप को इंसान नहीं समझते हैं, वो अपने उनमें खुद भी ऐसी एक भावना आती है कि हम तो किसी लायक नहीं है, हमारा जीवन किसी लायक नहीं है, हम वर्थ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो वो चीज को बाहर लाना, उनको उस चीज को सुधारना, वो हर इंसान का कर्तव्य होना चाहिए। मुझे तो ये लगता है सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। आभा जी, ये सारे डिस्कशन के बाद अब मैं आपके निजी जीवन के बारे में कुछ जानना चाहती हूँ कि आज आप जिस मुकाम पे हैं,
आपने अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस किस तरह से किया है, क्योंकि आज मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि जो आभा जी हमारे साथ इस फ्रेम में बैठे हुए हैं वो खुद डिसेबिलिटी का शिकार है, और लेकिन आज हमारे साथ में एक इतनी एम्पावर्ड वुमेन जब बात कर रही है तो हमें बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि कुछ उनकी लाइफ का एक्सपीरियंस हम सुने ताकि दूसरे लोग भी मोटिवेट हुए। जी हाँ आभा जी जी वेलकम प्लीज। मैं पहली बात तो है कि खुद को शिकार नहीं समझती सॉरी मैं शिकार नहीं हूँ। हाँ ठीक है, मुझे 3 साल की उम्र में पोलियो हुआ था और उसके बाद बहुत ही संघर्ष रहे जीवन में। स्कूल नहीं जाना, नहीं जा पाना, और बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हुए, बहुत सारे सर्जरीज हुए, और बहुत मुश्किल रही। तरह तरह के इलाज करवाए माता पिता ने। और सबसे बड़ी जिंदगी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग जो मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे पेरेंट्स दोनों टीचर थे और उन्होंने मेरी पढ़ाई कभी भी निगलेक्ट नहीं होने दी, मुझे प्रॉपर पढ़ाया लिखाया। स्कूल नहीं जाती थी तो घर पर ही मेरी पढ़ाई हुई है, बल्कि ये समझिए कि अस्पताल में मेरी पढ़ाई हुई है, क्योंकि लंबे समय तक अस्पतालों में रहना, क्योंकि सर्जरीज होती थी। मेरी स्पाइन में अभी भी 7 इंच की रॉड है और महीनों तक वही वही मेरा घर था, वही मेरा स्कूल था, वही मेरी किताबें आती थी। और धीरे धीरे करके कुछ इम्प्रूवमेंट हुई, मैंने लेग ब्रेसेस के साथ चलना स्टार्ट किया और 9th स्टैंडर्ड में जाकर मैंने स्कूल जाना शुरू किया। जब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी, उससे पहले मेरी सारी शिक्षा घर पर ही हुई और 4 साल मैं स्कूल गई 12वीं तक। उसके बाद की एजुकेशन भी मेरी सारी करस्पॉन्डेंस से हुई। मैं ट्रिपल मास्टर्स हूँ, मास्टर्स इन इंग्लिश, मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स एंड मास्टर्स इन साइकोथेरेपी काउंसलिंग। तो मैंने ट्रिपल मास्टर्स किया, फिर पापा पढ़ाते थे, पापा का ट्यूटोरियल सेंटर था तो उनके साथ पढ़ाना शुरू किया और फाइनेंशली इंडिपेंडेंट हुई, अपना खर्चा खुद उठाना शुरू किया। और सब कुछ किया मैंने, खाना बनाना से लेकर सिलाई कढ़ाई सब सीखा, सब सीखा। और मतलब जो सब सीखते हैं वो मैंने सब सीखा है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस में डिप्लोमा किया और ये सब करने के बावजूद लगा कि मुझे और कुछ करना है, अभी समाज के लिए कुछ करना है, वापस देना है समाज को, या मेरे माँ बाप ने जो मुझे दिया है वो कहीं ना कहीं मुझे कहीं और उतारना है उस ऋण को। तो फिर मैंने क्रॉस द हर्डल स्टार्ट किया 2011 में और उसके बाद क्रॉस द हर्डल से ही निरंतर काम कर रही हूँ, काउंसलिंग करती हूँ लोगों की और इस तरह से एजुकेशनल मटेरियल रेडी करती हूँ। 2015 में मेरी शादी हुई, लेट एज मैरिज हुई और लव मैरिज हुई हमारी। मेरे हस्बैंड नॉन डिसेबल हैं और सही है, चल रही है लाइफ। स्ट्रगल्स हैं, सबकी लाइफ में होते हैं, जैसे सबकी लाइफ में है मेरी लाइफ में दूसरे तरह के हैं, तो ठीक है। लेकिन आपने किसी भी स्ट्रगल या ऑब्स्टेकल को आपकी लाइफ में लाइफ को रुकने नहीं दिया, इन सब के बावजूद आप बहुत आगे बढ़ी हैं। बहुत खुशी हो रही है हमको आपसे आज यहाँ बातचीत करके, बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की है आपने। होपफुली बहुत आगे काफी लोगों तक ये बात जाएगी और बहुत अच्छा एक इम्पैक्ट आएगा सोसाइटी में, एक अवेयरनेस हम लाने की कोशिश करेंगे। आभा जी कुछ और भी मैसेज आप यहाँ से देना चाहते हैं? हाँ बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि सबको सम्मिलित करके चलिए समाज में। किसी को भी अलग मत कीजिए अपनी सोच से या अपनी नजरों से। देखिए, सड़क पर जाओ, व्हीलचेयर पर जाओ, सब लोग बहुत घूम घूम कर देखते हैं कि क्या हो गया, या तो अपनी अपनी नजरों से ही हमें अलग कर देते हैं, नजर ही एक अलग तरह की होती है। तो सबको सम्मिलित करिए। हर इंसान की अपनी एक वैल्यू होती है, हर एक इंसान वर्थ है इस सृष्टि में। ईश्वर ने जिसको भी बनाया है उसका एक वर्थ है, कोई भी यूजलेस नहीं है। एक छोटे कीड़े से लेकर एक सबकी एक वर्थ है, तो हम इंसानों की तो बहुत वर्थ है। तो अगर डिसेबिलिटी है नहीं है, क्या रंग है, क्या रूप है, शरीर कैसा है, तो शरीर के बियॉन्ड देखिए, इंसान को देखिए। सामने जो शरीर है उसे मत देखिए, उसके पार देखिए कि इंसान के अंदर क्या है, क्या क्वालिटीज हैं। तो हर इंसान में एक वर्थ होता है, तो सबको सम्मिलित करके चलिए,
इंक्लूड एवरीवन, इंक्लूड अस। थैंक यू आभा जी। सहारा इनिशिएटिव जिसका मेन मोटिव है कि समाज में फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस लाए, तो आई एम रियली थैंकफुल टू कर्मा फाउंडेशन एंड सहारा इनिशिएटिव फॉर क्यूरेटिंग दिस इवेंट टुडे, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू क्रॉस हर्डल्स फॉर एसोसिएटिंग दिस इवेंट, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू BJS फॉर सपोर्टिंग दिस इवेंट, एंड कहीं ना कहीं आगे पीछे इस इवेंट को क्यूरेट करने में, सपोर्ट करने में, एसोसिएट करने में जिन जिन लोगों का भी हाथ है उन सबको मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ। थैंक्स आभा जी फॉर बींग हियर एंड गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम एंड शेयरिंग नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन विद अस। थैंक यू आभा जी वंस अगेन। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी, थैंक यू, बाय एवरीवन, बाय।